नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के अंदर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों पर रीवा कलेक्टर ने पिछले 20 दिनों में 11 FIR दर्ज कराई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में समय पर खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का स्टॉक या तो कम है या फिर ज्यादा है, जबकि नियमानुसार खाद्य का स्टॉक जितना ऑनलाइन शो होता है उतना ही होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए और ना ही अधिक। अगर ऐसा होता है तो इससे परिलक्षित होता है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समय समय पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें व नियमों का पालन कराएं, जिससे कि समय पर हितग्राहियों को खाद्य उपलब्ध हो सके व शासन का लाभ मिल सके। हाल ही में शासकीय उचित मूल्य दुकान पतुलकी के विक्रेता पर FIR दर्ज की गई है। आइए सुनाते हैं इस बारे में रीवा कलेक्टर का क्या कहना है। खाद्यान्न वितरण को लेकर के लगातार ये शिकायतें आ रही थी। कुछ अपनी ऐसी उचित मूल्य की खाद्यान्न दुकानें हैं जिनमें समय पर हितग्राहियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, या फिर उनके जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया तो जितना स्टॉक उनका मिलना चाहिए उससे स्टॉक या तो कम मिला या ज़्यादा मिला। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर ये बिल्कुल अनुमति नहीं है कि जितना स्टॉक आपका ऑनलाइन शो हो रहा है उससे ज़रा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियों ये शो करती हैं कि उचित प्रकार से खाद्यान्न का या तो कहीं कालाबाजारी की जा रही है या फिर जो खाद्यान्न के लिए हितग्राही हैं उनको समय पर मिल नहीं रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में खाद्य विभाग की टीम को ये लगातार निर्देश है कि ऐसी दुकानों का हम लोग छिनांकन करें और उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई करें। तो इसी क्रम में लगभग पिछले 20 दिनों में हम लोगों ने 11 FIR की हैं और ये 11वीं FIR है जो शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई है, पतलुकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में। ये जो FIR जिन शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर की गई हैं, इनका संचालन भली प्रकार चलता रहे इसके लिए समितियों को निर्देश दिए गए हैं और जिन लोगों के विरुद्ध FIR हुई है उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आगे भी जो गरीबों का खाद्यान्न है वो सही व्यक्ति को सही समय पर मिले ये ज़रूरी है। इसके लिए खाद्य विभाग की खुद की टीम बिल्कुल ताकीद की गई है कि वो भली प्रकार से इसका संचालन कराने के लिए अपनी टीम को लगातार मॉनिटरिंग में रखें। साथ ही समितियों को भी ये ताकीद की गई है कि वो भी इस प्रकार के जो गलत सेल्समैन हैं उनको तत्काल निकाल के अलग करें, नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। लगभग अपने यहाँ पूरे जिले भर में 71 ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से लोगों को खाद्यान्न दिया या फिर उसको बाजार में बेचा। ऐसी दुकानों का परीक्षण चल रहा है, जैसे ही जाँच पूरी होगी ऐसी 71 दुकानों के खिलाफ हम लोगों ने वसूली भी संस्थित की है। वसूली की जांच के दौरान यदि ये पाया जाएगा कि गलत लोगों को खाद्यान्न बेचा गया है या फिर खाद्यान्न बाजार में कहीं बेचा गया है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में न सिर्फ रिकवरी होगी बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएंगे।